अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम क्लास नाइन्थ की जो फिजिक्स है उसमें आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर को वन शॉट में डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम आपको बहुत सारे जो इसकी एक्सप्रेशंस हैं उनका मैथमेटिकल डेरिवेशन दिखाएंगे और कौन कौन सी फार्मूला जो इम्पॉर्टेंट है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसका कंसेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चैप्टर है दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। तो पहले हम लिखेंगे व्हाट इज वर्क, पहले हम वर्क को डिस्कस करेंगे। यहां पे देखो वर्क क्या होती है, साइंटिफिकल कंसेप्ट ऑफ वर्क क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी है मेरे पास। पहले ये जो बॉडी है ये पहले रेस्ट में है, सिंपली हम बोलेंगे ये पहले रेस्ट में है। आपको ये भी पता है रेस्ट क्या होता है। रेस्ट सिंपली होता है जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता टाइम और सराउंडिंग के साथ साथ। यानी रेस्ट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इस चीज को हम बोलते हैं रेस्ट। ये रेस्ट बेसिकली क्या होता है, ये एक बॉडी की टेंडेंसी होती है जिसको हम बोलते थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें ये सलाहियत होती है कि ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करने देती है, तो इसको हम बोलते हैं रेस्ट। ये बॉडी पहले रेस्ट में है, जब भी इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा तो इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और आपको यह भी पता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास दोनों होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है एक डायरेक्शन होती है, और ये फॉलो करते हैं लॉज ऑफ वैक्टर्स, यानी लॉज ऑफ वैक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वैक्टर सब्ट्रैक्शन, ये इसको फॉलो करती है। तो जब भी एक एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी पर एक्सर्ट होता है तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस बॉडी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। यानी जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी में डिस्प्लेसमेंट लाता है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी पहले ए पॉइंट पे थी, अब यही बॉडी कहां पहुंची, पॉइंट बी पे, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्क। और ये जो वर्क है इसको हम लिखते हैं डी डब्ल्यू से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ क्रॉस एस, व्हेयर एफ इज फोर्स एस इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसका रीजन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस फार्मूला को मोर प्रॉपरली लिखते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। यहां पे हम एंगल भी लाते हैं कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा क्या है, सिंपली इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉस ऑफ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या एंगल है वो डिफाइन करता है कॉस ऑफ थीटा। नाउ पहला क्वेश्चन अराइज होता है, यहां पे हमने कॉस टर्म क्यों इस्तेमाल की, साइन भी कर सकते थे, टैन भी कर सकते थे, कोसेक भी कर सकते थे, कॉट भी करते थे, लेकिन इसका रीजन है यहां पे हमारे पास। देखो अगर ये फॉर एग्जांपल एक बॉडी है मेरे पास, इस बॉडी को यहां से मैंने फोर्स अप्लाई किया, जिस पॉइंट पे हम एक बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते थे पॉइंट ऑफ वी कैन से दैट कॉन्टैक्ट, यानी ये पॉइंट कॉन्टैक्ट में है फोर्स के साथ, या इसको हम बोलते थे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स एग्जर्ट होगा। लुक हियर दैट पहले जब ये बॉडी रेस्ट में थी तो नीचे की तरफ इसको वेट लगता था जो किसके बराबर है, दैट इज मास ऑफ ए बॉडी इनटू ग्रेविटी। और जिस सरफेस पे ये बॉडी है उस सरफेस की वजह से ये एक फोर्स एग्जर्ट करेगी ये सरफेस ऑन द बॉडी, जिसको हम बोलते थे नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते थे, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली वो फोर्स होता है जो एक सरफेस एग्जर्ट करती है एक बॉडी पे, लेकिन ये नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। नाउ अगर हमने इस पॉइंट पे यहां पे फोर्स इसको अप्लाई किया, देखो क्या हो जाएगा। बेसिकली ये जो फोर्स यहां पे अप्लाई हुआ
इसको हम रिजॉल्व करेंगे। एक इसका कंपोनेंट यहां से आएगा, इसको हम बोलेंगे एफ कॉस ऑफ थीटा। यहां से और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जिसको हम बोलेंगे एफ साइन ऑफ थीटा। नाउ लुक हियर दैट, ये जो एफ साइन थीटा है और एफ कॉस थीटा है, इसका सम एफ के बराबर होगा। मतलब एफ साइन थीटा प्लस एफ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ। यानी इसी फोर्स को हमने यहां पे रिजॉल्व किया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो लेकिन एफ का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। नाउ अगर हम देखेंगे यहां पे नीचे की तरफ लगता है mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है और है एफ साइन थीटा। इसका मतलब है नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg। सिंपल मीनिंग, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन है ड्यू टू सरफेस और जो एफ साइन थीटा जो इस फोर्स का कंपोनेंट है, इनका सम n प्लस एफ साइन थीटा किसके बराबर है? mg के बराबर है। अगर आप इस बॉडी में कोई चीज डिस्प्लेसमेंट लाती है, वो कौन सा कंपोनेंट लाती है? एफ कॉस थीटा। कौन लाती है? एफ कॉस थीटा। क्योंकि एफ साइन थीटा को बैलेंस करके रखा है किसने? एम जी ने। दैट इज द रीजन यहां पे जो बुलेट डन है ये हम लिखते हैं डी डब्ल्यू इज कॉल्ड एफ डी कॉस ऑफ थीटा, वेयर कॉस ऑफ थीटा इज एंगल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ अगर हम कॉस की वैल्यू की बात करेंगे, पहले कॉस के हमारे पास तीन वैल्यू इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है कॉस 90। कॉस 90 किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। नंबर सेकंड दैट इज कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो वन के बराबर होता है। और है हमारे पास कॉस ऑफ 180, ये किसके बराबर होता है? माइनस वन के बराबर होता है। सिंपल सा मीनिंग है यहां पर, जब फोर्स ये एफ है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर साइन लगाएंगे वेक्टर की, ये रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन फोर्स की। अगर एस डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों की अगर एक ही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में, यानी जिस यहां पे सीधे सिंपली एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें फोर्स एग्जर्ट हुआ इस डायरेक्शन में, तो इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी आएगा इसी डायरेक्शन में। इसका सिंपल मीनिंग है एफ और एस की डायरेक्शन क्या है? सेम है। दिस इज एफ एंड दिस इज एस। Now, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा? जीरो, जीरो डिग्री एंगल। सो अगर हम यहां पे जीरो डिग्री एंगल की बात करेंगे, तो जो बुलेट डन होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। कैसे? क्योंकि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। नाउ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू क्या आया हमें? जीरो आया। तो अगर हम देखेंगे कॉस ऑफ जीरो किसके बराबर है? वन के बराबर है, इंटू वन, इंटू वन। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होगा यहां पे जीरो डिग्री, तब जाके यहां पे मैक्सिमम वर्क डन होती है। क्या होती है? मैक्सिमम वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट हुआ इस बॉडी पे, तो डिस्प्लेसमेंट आया फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर। तो सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पे जो वर्क डन निकलेगी वो निकलेगी सीधे फोर्स 10 इनटू 10, दैट इज dW इज इक्वल टू 100 जूल। इसका मतलब है जीरो डिग्री एंगल पे जो वर्क डन होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। नाउ अब अगर हमारे पास कंडीशन है दैट अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है 90 डिग्री, कितना है? 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली। मेरे पास एक बॉल है, इसको मैंने थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली। जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूं, तो क्या होता है? इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे है, यहां से जब मैं इसको थ्रो करूंगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरफ है? नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब है यह डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है? दैट इज 90, दैट इज 90। सो वी कैन से दैट dW इज इक्वल टू FD cos ऑफ 90। अगर हम इस केस में वर्क डन देखेंगे, जब हम एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे, तब जाके जो वर्क डन होगी वो कितनी होगी? जीरो। क्योंकि dW इज इक्वल टू FD cos ऑफ 90 किसके बराबर है हमें? जीरो के बराबर है।
इज इक्वल टू जीरो, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहां पे ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो वर्क डन है इन केस ऑफ ग्रेविटी और जब मैंने थ्रो किया इसको हॉरिजॉन्टली इस ऑब्जेक्ट को, ये बेसिकली वर्क डन किसकी वजह से जीरो है, इट इज बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन मेरी वर्क डन जीरो नहीं है, उसका कुछ वैल्यू होगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया इस बॉडी पे वो जीरो है, लेकिन मेरी वर्क डन जीरो नहीं है। नाउ अब अगर हमारे पास है ऐसी कंडीशन दैट, अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये जो ये फोर्स है ये है फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। नाउ लुक हियर दैट, अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा, फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर को मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा, जब ये मार्कर ऊपर जाएगा, ठीक, ये जब मार्कर ऊपर जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन इसका जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, हर किसी पॉइंट पे इसको फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना एंगल है, 180। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऊपर की तरफ डाला है, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में करेगा, लेकिन इसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना एंगल है, 180 डिग्री है, तो जो कॉस ऑफ 180 होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, तो डी डब्ल्यू हमारे पास क्या निकलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ 180, तो कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू -1 दैट्स -FD, तो इस कंडीशन में नेगेटिव वर्क डन। तो तीन कंडीशन है, कॉस ऑफ जीरो पे मैक्सिमम वर्क डन, कॉस ऑफ 90 पे जीरो वर्क डन, कॉस ऑफ 180 पे क्या है, नेगेटिव वर्क डन। नाउ पहला क्वेश्चन है यहां पे वर्क जो है इसका जो SI यूनिट है वो क्या है, जूल। यहां पे आपको याद रखना है कोई भी वर्क हो उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल। फॉर एग्जाम्पल जो SI यूनिट है वर्क का, SI यूनिट दैट इज जूल। अब अगर हमें फॉर एग्जाम्पल 1 जूल को डिफाइन करना पड़ेगा, यानी जो SI यूनिट ऑफ वर्क है दैट इज जूल, अगर हम 1 जूल को यहां पे डिफाइन करेंगे तो 1 जूल सिंपली डिफाइन होता है जब 1 न्यूटन फोर्स को हम एग्जर्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, जब किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स को एग्जर्ट किया जाएगा और उस ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, उस टर्म को हम बोलते हैं 1 जूल। क्या बोलते हैं, 1 जूल, यानी व्हेन ए 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी सच दैट इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स 1 मीटर इन 1 सेकेंड, तो उस चीज को हम बोलते हैं 1 जूल। अदरवाइज इसका CGS में यूनिट है अर्ग, CGS, यानी CGS वो सिस्टम होता है जिसमें लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, जिसमें मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम ग्राम्स में, और जिसमें टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड में, इसको हम बोलते हैं CGS। इसमें जो इसका यूनिट है दैट इज अर्ग, और जो 1 जूल होता है ये होता है 10^7 अर्ग के बराबर, ये भी याद रखना, 1 जूल इसका जो 10^7 अर्ग। ये था कंसेप्ट ऑफ वर्क, साइंटिफिक कंसेप्ट। नाउ अब हम आएंगे एनर्जी पे। एनर्जी सिंपली होती है, एनर्जी होती है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, एक बॉडी में कितनी सलायत है काम करने के लिए उस चीज को हम बोलते हैं एनर्जी, यानी एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। नाउ इसके बाद है एनर्जी, यानी एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एक बॉडी में कितनी एबिलिटी है काम करने के लिए उस चीज को हम बोलते हैं एनर्जी। पहले हम यहां पे डिफाइन करेंगे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, KE, और इसकी डेरिवेशन। देखो काइनेटिक एनर्जी सिंपली होती है एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है
तो उस ऑब्जेक्ट के साथ एक एनर्जी लिंक होती है, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. सिंपली एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. नाउ इस काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है किसके बराबर, वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. वायर, यहां पे आपको याद रखना है, वायर m is the mass of body, v square is the velocity of body and ke is the kinetic energy. इस चीज को हम कैसे derive करते हैं, देखो हमारे पास जो work done की formula है, that is dw is equal to fd cos of theta. या जो हमारे पास formula थी dw is equal to f into s, where f is force and s is displacement. देखो as per the second law of motion, अगर हम इसको इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे सेकंड लॉ के मुताबिक, जो फोर्स है, फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहां पे हम पहले लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एस, एस इज डिस्प्लेसमेंट. लेकिन एज पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, वेरी इंपॉर्टेंट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस. जब हम एक बॉडी को पहले रिलीज करते थे, हम इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थे ये हम क्या लेते थे, जीरो लेते थे, क्योंकि इनिशियल ये बॉडी रेस्ट में होती थी. मैंने सपोज किया एक बॉडी रेस्ट में थी, तो पहले जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी. तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यहां पे s मल्टीप्लीकेशन में है, इसको यहां लाएंगे, ये बनेगा v square divided by twice a. ये जो u square है, u square मैंने मान लिया है, ये क्या है, जीरो है. इनिशियली ये बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी. ठीक, अब इस s का वैल्यू हम यहां पे रखेंगे, dw is equal to m into a, s का वैल्यू रखेंगे v square divided by 2a. यहां पे s का वैल्यू रखा, s डिस्प्लेसमेंट, v square divided by 2a. नाउ यहां पे हम कुछ टर्म्स कैंसिल आउट करेंगे, ये ए और ए को हम कैंसिल आउट करेंगे, तो यहां पे बचेगा हमें डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू. तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिखेंगे, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. इसको हम बोलते हैं वर्क डन, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन. तो वर्क डन ही बेसिकली किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. तो ये डेरिवेशन है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की. कहां से हमने किया है, सीधे हमने ये फॉर्मूला पकड़ा है, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फिर यहां पे फोर्स का एज पर सेकंड लॉ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां पे एस का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में से निकाला है. नाउ और एक टर्म हमने पढ़ी थी, ये चल रहा है पूरा, वेट बिल्कुल हो रहा है रिकॉर्ड. नाउ हमने और एक टर्म पढ़ी थी, दैट इज मोमेंटम. मोमेंटम सिंपली हम डिफाइन करते थे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी. एक बॉडी का कितना मास है, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा वेलोसिटी के साथ, इस टर्म को हम बोलते थे मोमेंटम. क्या बोलते थे, मोमेंटम. नाउ मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको पी के ऊपर हम साय रखते थे, वेक्टर साय, ये रिप्रेजेंट करता था डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम. अब हम पहले निकालेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. देखो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इंपॉर्टेंट. मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसके बराबर निकलेगा, मोमेंटम डिवाइड बाय मास. इस एक्सप्रेशन से अगर हम यहां पे वी का वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा मोमेंटम डिवाइड बाय मास, दैट इज वेलोसिटी. और इस वी का वैल्यू यहां पर रखेंगे, के ई इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ एम को एम ही रखेंगे, v की जगह क्या रखेंगे, p डिवाइड बाय m का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो v का वैल्यू है p डिवाइड बाय m. नाउ ke इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ m, ये स्क्वायर p का भी है, p को भी स्क्वायर रखेंगे और m को भी स्क्वायर रखेंगे, p स्क्वायर m स्क्वायर. तो यहां पे लिखेंगे m और m को कैंसिल आउट करेंगे, ke इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, क्योंकि m और m क्या हुआ, कैंसिल, यहां पे m स्क्वायर था, तो यहां पे 2m डिवाइड में है, तो इसको यहां लाएंगे, तो ये बनेगा यहां पे 2m इनटू के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर. ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास किसकी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम की. यहां पे पी स्क्वायर है,
पी का जो स्क्वायर जब उतारा जाएगा तो यहां पे रूट आ जाएगा, दैट इज 2mke। जब इसका स्क्वायर हम खत्म करेंगे तो यहां पे इस टर्म पे रूट लगेगा, दैट इज 2mke। रूट का फिर वैल्यू आपको पता है 1 / 2 होता है, यानी 2mke या p = √2mke, इसको हम बोलते थे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। नाउ अब अगर कंडीशन ऐसे है, फॉर एग्जांपल अब अगर हमारे पास है एक बॉडी, ये ए पॉइंट पे है, फॉर एग्जांपल इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू, सिंपली इसी बॉडी पे जब फोर्स एग्जर्ट किया जाता है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, फॉर एग्जांपल ये पहुंची पॉइंट बी पे, इसकी फाइनल वेलोसिटी है बी। ए पॉइंट इस पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज यू, बी पॉइंट पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज वी। अब अगर हमें निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले हम देखेंगे इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फॉर एग्जांपल के ई एट ए, वो निकलेगा 1/2 ऑफ एम यू स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ बॉडी, यू स्क्वायर इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। सिंपली इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे दैट इज 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि यहां पे वी स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, यहां पे यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हमें चेंज निकाल दिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज डेल्टा के ई, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इज दिस विजिबल? यस इट इज विजिबल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ एम यू स्क्वायर, वेयर वी विल रिप्रेजेंट फाइनल फाइनल वेलोसिटी एंड यू विल रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन डेल्टा के ई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम, को एम ही रखेंगे, मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास क्या है, मास अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सबस्टेंस, ये चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। तो इसको हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और वी कैन से दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। तो दिस वॉज काइनेटिक एनर्जी। नाउ यहां पे और एक एनर्जी हम डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी। नाउ सेकंड टॉपिक ये वन शॉट में है, सारे फॉर्मूला आपको मिलेंगे। देखो नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसके बराबर होती है, एम जी एच के बराबर होती है। यानी पहले डिफाइन क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पॉजिटिव बाय बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन, ड्यू टू इट्स शेप, और we can say that position from the ground, where m is the mass of body, g is acceleration due to gravity, h is height, isko hum bolte hain potential energy, that's mgh। now isko hum derive kaise karte hain, dw is equal to hamare paas formula hai force into displacement, that's work done, lekin hum force ki jagah rakhenge yahan pe mass into acceleration, aur s ko aise hi rakhenge, lekin jab ek body ko hum surface se lete hain to ये कुछ हाइट पे होती है h, लेकिन इस बॉडी को हम स्ट्रेट लेते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे s is equal to h, s displacement, h is also displacement, h is displacement in terms of height, तो हम लिखेंगे यहां पे dw is equal to mah। now यहां पे जो acceleration है under gravity, इस बॉडी को नीचे की तरफ acceleration लगती है, that is g, तो हम a को represent करेंगे, a is equal to g। तो सिंपली हम लिखेंगे यहां पे dw इज इक्वल टू mgh, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यही dw किस में हो जाएगी कन्वर्ट, पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज mgh, वेयर m इज द मास ऑफ बॉडी, g इज द ग्रेविटी, h इज हाइट। अब अगर दो बॉडीज को अलग अलग हाइट्स पे लिया गया है, फॉर एग्जांपल यहां पे पहले पे ये एक बॉडी है, इसका मास है फॉर एग्जाम्पल m, इसको मैंने लिया हाइट h1 पे, सेम बॉडी ऑफ सेम मास, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेम बॉडी है, दैट्स m, दो ब्रिक्स है मेरे पास, एक को मैंने लिया है h1 हाइट पे, दूसरे को मैंने लिया है h2 हाइट पे, लेकिन दोनों ब्रिक्स का जो मास है दैट इज सेम। लेकिन अगर आप देखोगे इसको भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, दैट्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इसको भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी नीचे की तरफ। अब अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे फॉर एग्जाम्पल h2 की, तो वो निकलेगी p इज इक्वल टू एम, सेम है जी इंटू एच वन, ये पहले इसकी काइनेटिक, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी,
हाइट कितनी है h1, मास m, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इस बॉडी का तो वो निकलेगा m g h2, क्योंकि मास इसका भी सेम है, ग्रेविटी भी सेम है, खाली हाइट की डिफरेंस है. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे दैट इज एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन. नाउ डेल्टा पी ई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज एम जी. एम जी को कॉमन आउट करेंगे क्योंकि एम जी सेम है, एम और जी सेम है, अंदर बचेगा एच टू माइनस एच वन. इसको हम बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी. तो ये भी एक एक्सप्रेशन है हमारे पास दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी. नाउ इसके बाद हमने डिस्कस किया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. वीडियो की लेंथ थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वन शॉट में है ये पूरा चैप्टर. अब आ गए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिंपली होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी और ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स दैट इज क्रिएटेड इनसाइड इट. जब भी हम एक इलास्टिक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स को एक्सर्ट करते हैं उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसमें एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स. जैसे हम एक रबर को खींचते हैं फिर छोड़ते हैं वो अपनी पोजिशन पर जाता है, जैसे हम एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो अपनी पोजिशन पर वापस जाता है. इसका कार्य क्या है बेसिकली, इस इलास्टिक बॉडी में एक रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है इन अपोजिट डायरेक्शन, जो चाहता है कि बॉडी अपनी ही पोजीशन पर रहे. उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से. तो ये होती है वन हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, वायर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एंड एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्प्रिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इलास्टिक बॉडी. नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक बॉल है, इसकी तरफ मैंने एक स्प्रिंग को बांधा. फॉर एग्जाम्पल जो स्प्रिंग की पहली ओरिजिनल लेंथ है दैट्स एक्स वन, ठीक, और इसका जो कांस्टेंट है दैट्स के. तो सिंपली इसमें जो यहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी दैट्स वन हाफ ऑफ के एक्स वन स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर यही स्प्रिंग है इसको मैंने स्ट्रेच किया है एक्स टू से, अब इसमें जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट्स वन हाफ ऑफ के एक्स टू स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन जब मैं इस पे फोर्स एक्सर्ट करता हूं स्प्रिंग पे इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग में इनसाइड में एक फोर्स क्रिएट होता है, वो होता है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. एफ को हम बोलते थे रेस्टोरिंग फोर्स. रेस्टोरिंग फोर्स ये कौन सा फोर्स होता था, ये वो फोर्स होता था जो एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बनता था इस इलास्टिक बॉडी में. फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग को मैंने खींचा है, अगर मैं यहां पे इसको खींचूंगा और छोड़ूंगा ये वापस आ जाएगा, अगर मैं रबर को खींचूंगा यहां से तो ये वापस आ जाएगा. इसका मतलब है इसमें बेसिकली एक फोर्स क्रिएट होता है जो चाहता है कि जो ये स्प्रिंग और रबर है ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर रहे. उस फोर्स को हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स. वो किसके बराबर होता है, एफ माइनस के एक्स. नाउ एक्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. नाउ अगर हम देखेंगे यहां पे चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, पहली फाइनल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वन हाफ ऑफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस इनिशियल में डिस्प्लेसमेंट क्या था, वन हाफ ऑफ के एक्स वन स्क्वायर. तो सिंपली डेल्टा यू इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ के को कॉमन आउट करेंगे क्योंकि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट सेम है, इसके लिए भी कॉन्स्टेंट सेम है, ये चेंज नहीं होगा. तो दैट इज वन हाफ ऑफ के को मैंने कॉमन आउट किया, अंदर क्या बचा एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर. इसको हम बोलते थे चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. वन ऑफ ऑफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर इज कॉल्ड चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. नाउ और इस टर्म को हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, एफ इज कॉल्ड माइनस के एक्स. जितना ज्यादा आप खींचोगे एक स्प्रिंग को फिर छोड़ोगे तो ये तेजी के साथ वहां पे स्ट्राइक करेगा वाल के साथ, जितना कम खींचोगे उतना ही स्लोली स्ट्राइक करेगा वाल के साथ. फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग को मैंने 10 सेंटीमीटर खींचा तो छोड़ दिया, तो इसकी जो साउंड है ये जब स्ट्राइक करेगा बोर्ड के साथ तो कम होगी. अब अगर इसी स्प्रिंग को और आगे ले आया फिर छोड़ा तो ज्यादा साउंड क्रिएट होगी क्योंकि इसमें ज्यादा कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, रेस्टोरिंग फोर्स.
अब हम यहाँ पे देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेस्टोरिंग फोर्स एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सब टर्म्स यहाँ पे डिस्कस होंगे. कैन लुक हियर दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू वन ऑफ के एक्स स्क्वायर और रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स. माइनस साइन यही इंडिकेट करेगा कि ये जो फोर्स बन रहा है स्प्रिंग में, ये बन रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन में टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स. दिस इज अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन. यहां पे पहले के का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वो निकलेगा एफ डिवाइड बाई के. तो इस एक्स का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं वन ऑफ के एक्स का वैल्यू है एफ डिवाइड बाई के का स्क्वायर. तो यू इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ के एफ स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर. तो एक के स्क्वायर एक के कैंसल, यू इज इक्वल टू ऊपर बचेगा एफ स्क्वायर, नीचे बचा है टू इंटू के टू के. तो इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रेस्टोरिंग फोर्स एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वायर एफ स्क्वायर डिवाइड बाई टू के. कैसे हमने निकाला? सिंपली वन ऑफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एफ है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. यहाँ पे पहले एक्स का वैल्यू निकाला, दैट्स एफ डिवाइड बाई के, और इस एक्स का वैल्यू रखा है इस पोजिशन पे, तो यहाँ पे बन गया एफ डिवाइड बाई के का स्क्वायर. तो ये एफ का भी स्क्वायर है, के का भी स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन ऑफ के एफ स्क्वायर के स्क्वायर एफ स्क्वायर और टू के. यहाँ पे एक के और एक के क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगी. दिस इज के स्क्वायर एंड दिस इज एफ स्क्वायर. इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रेस्टोरिंग फोर्स एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इसके बाद और एक पॉइंट है, यही पे मैं डिस्कस करूंगा उसको, दैट इज वीडियो की लेंथ कहां पहुंची, अभी 31 मिनट हो गए इसको. इसके बाद और एक टर्म हमने डिस्कस की थी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है सिंपली एनर्जी पॉजिटिव बाय बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स. ये अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट अर्थ है. तो अर्थ से कुछ डिस्टेंस तक इसको अपनी ग्रेविटी होती है टुवर्ड्स द सेंटर,